मेरे पास बहुत काम है यार, बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, अक्सर सुना होगा आपने लोगों के ऐसे मुंह से। लेकिन क्या वो सच में बिजी होते हैं? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में, फ्रॉम रॉबर्ट ग्रीन्स फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 9 के बारे में। ये लॉ बोलता है, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि अपनी बात को ना एक्शन से प्रूव करो, आर्ग्यूमेंट से नहीं। दोस्तों क्या है ना, वर्ड्स और आर्ग्यूमेंट्स ऑफन मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, लेकिन जो एक्शंस होते हैं ना वो काफी क्लियर होते हैं, अनडिबेटेबल होते हैं। आपको किसी को भी कन्विंस करना है, आप अगर आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू हो जाओगे, अपने बातें ही करना शुरू हो जाओगे, तो कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जहां पर आपके एक्शंस अच्छे होंगे ना, वहां पर सामने वाला ऑटोमेटिकली ही कन्विंस हो जाता है। चलिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन कर। सबसे पहला एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी का। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट गांधी जी ने बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशन किए, लेकिन उनका एक एक्शन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा वो था दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने 230 माइल का एक यात्रा निकाली, दांडी यात्रा जिसको बोलते हैं, नमक का कानून तोड़ने के लिए। उस जब वो वहाँ पे चल रहे थे ना, इतने सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। पूरी दांडी यात्रा में गांधी जी ने एज सच कुछ ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन फिर भी लोग उनसे इंस्पायर होते रहे, उनके साथ जुड़ते रहे। और उससे ब्रिटिश राज को एक चीज़ तो पता चल गई कि बंदे में दम था, और लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। कभी कभी आपको ना एक्शंस के थ्रू लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, एक्शंस के थ्रू लोगों को प्रूव करना पड़ता है, एक्शंस के थ्रू लोगों को बताना पड़ता है कि आई एम समथिंग। हमेशा आर्ग्यूमेंट ही हमेशा हर चीज का आंसर नहीं होता यार। अगला एग्जांपल है स्टीव जॉब्स का। एप्पल के कोफाउंडर स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया। उससे पहले मार्केट में कोई डिस्कशंस और डिबेट चल रहे थे कि स्मार्टफोन कैसा होना चाहिए, लेकिन स्टीव जॉब्स ने ना सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पर रिलाई ही नहीं किया, स्टीव जॉब्स ने बोला कि जो लोग डिबेट कर रहे हैं करते रहो, क्या होना चाहिए फ्यूचर। उन्होंने अपने एक्शंस पे वर्क किया, उन्होंने मार्केट में एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसको देखकर लोग बोलने लगे यार ये तो सच में बहुत अच्छा है। उनका जो एप्पल का स्मार्टफोन था ना, वो फ्यूचर को डिफाइन कर रहा था। उन्होंने कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए, लंबे चौड़े वादे नहीं किए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने सीधा प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, और उनकी इसी स्ट्रेटेजी के वजह से आज एप्पल एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी बन गई है। अब बात करके चलते हैं कि हम अपनी लाइफ में इस लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते। पहला पॉइंट है शो डोंट टेल, यानी कि कर दिखाओ बोलो मत। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लीडर हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप मैनेजर हो या किसी भी पोजीशन पे हो, तो सिर्फ बातों से अपने मैनेजर को या बाकी लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। वहाँ पर काम करके देखो, अपने काम से वैल्यू बनाओ। जब आप अपना काम इतने अच्छे से करोगे ना, आपकी वैल्यू खुद ब खुद बन जाएगी, लोग आपके बारे में बात करना शुरू हो जाएंगे, ना कि आपको अपने बारे में बात करने की नीड हो। यूज़ विजुअल्स एंड एग्जाम्पल्स। जब आप मीटिंग्स के अंदर हो, तो ऐसे चार्ट्स ग्राफ्स को बना के लोगों को चीज़ें प्रेजेंट करो कि उनको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। देखो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना कि मैंने तो बहुत ज़्यादा सेल्स कर दी, मैं इतने नंबर अचीव कर लिया, लेकिन जब आप एक चार्ट बनाते हो ना कि देखो इस मंथ मैंने इतना अचीव किया, नेक्स्ट मंथ में इतना अचीव करने वाला हूँ, उससे पिछले चार महीने में मैंने इतना अचीव किया था। जब आप नंबर से बात करते हो, जब आप उसको चार्ट फॉर्म में बना देते हो, पाई डायग्राम्स फॉर्म में बना देते हो, किसी भी तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बना देते हो, तो सामने वाले को ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है आपकी बात पे कि हाँ आप कर सकते हो, आपने ये किया है और आपको इसके बारे में नॉलेज है, आपने प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे। इसलिए जब भी आप किसी को कुछ बताने जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि उसको ना एक वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में। तीसरा पॉइंट है लीड बाय एग्जांपल। देखो आप मैनेजर हो ना, आप अपनी टीम को बोलो भाई काम कर, बहुत काम करके देखा, ऐसा कर वैसा कर, वो रिलाई नहीं करेंगे आपकी बातों पे, वो सोचेंगे यार ठीक है तो बोलता रहता है। हमेशा लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए, मतलब जब आप अपनी टीम को कुछ करने के लिए बोल रहे हो, तो उनको करके दिखाओ कि देखो ये ऐसे होता है, देखो ये काम इतनी जल्दी हो सकता है, मैंने करके दिखाया, अब आप ऐसे करो। आप अपने टीम के ऊपर सारी चीज़ों को मत छोड़ो, हमेशा लीड बाय एग्जांपल बन के रहो कि आप करके दिखाओ कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे मैंने किया, अब तुम भी इसको ऐसे कर लो। फोर्थ पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? आपके बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है जो आप बोल रहे हो, जो करके दिखा रहे हो, वो ही सब कुछ डिफाइन करता है। आप कैसे बिहेव करते हो, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। आप सामने वाले को बोलते रहे हो भाई आपसे मिलकर ना बहुत खुशी हुई, चेहरे से लग रहा है खुशी हुई, नहीं हुई। यानी कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ बता देते हैं। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो कोशिश करो अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखना। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत नर्वस नहीं दिखना,
आप नर्वस दिखोगे, तो आपने कितना भी काम पीछे किया उनको लगेगा यार ये बंदा तो हैंडल नहीं कर सकता, इस बंदे को हम नहीं लेंगे। और जब आप इंटरव्यू में बैठे हो आप बार बार गेट की तरफ देख रहे हो तो भी उनको लगेगा कि यार ये तो डर रहा है या ये जल्दी बाहर जाना चाहता है, ये यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, आपको वहाँ पे भी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मल्टीपल इंस्टेंसेज होते हैं जहाँ पे मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना कंट्रोल करना पड़ता है, उसको ऐसे फॉर्म में रखना पड़ता है कि सामने वाला मेरे से इंस्पायर हो, मेरे को पॉजिटिव सेंस में देखे, ना कि नेगेटिवली मेरे को ले। और हम बातें करके चलते हैं क्या था पुराने ज़माने में ना जो चाणक्य थे, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर चाणक्य की बातें करके चलता हूँ, क्योंकि उनकी जो लर्निंग है ना वो इतनी ज़बरदस्त लर्निंग है यार, वो हमारी लाइफ को बदल देती है। चाणक्य ने मेरा पता एक बार क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब आपको कुछ भी काम करना है ना शांति से करो, अपनी हर चीज़ का ढिंढोरा पीट दोगे, यानी कि आप बोलते रहोगे, लोगों से डिबेट करते रहोगे, आर्ग्यूमेंट्स करते रहोगे, तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा आप क्या करने वाले हो और वो आपको करने के लिए रोकना शुरू हो जाएंगे, जो भी लोग आपसे जलते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, कहीं पर भी आप लोगों के बीच में ही रहते हो ना, तो लोग आपसे हमेशा जलेंगे, हर जगह आपसे लोग जलेंगे। हो सकता है मेरा पड़ोसी मुझसे जलता है, हो सकता है मेरे ऑफिस में मेरा जूनियर, मेरा साथ वाला है, मेरा मैनेजर है, मेरा मैनेजर का दोस्त मुझसे जलता है। तो उस केसेस में जब आप ज़्यादा बोलते हो ना तो उनको पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हो। तो अपना जो भी काम कर रहे हो ना चुपचाप से अपना पहले पूरा काम करो और अपने रिजल्ट से बताओ लोगों को कि मैंने क्या कर लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी टीम में एक लड़का था, तो उसके ना परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन थी, मैंने उसकी परफॉर्मेंस को ना वन ऑन वन, कंपनी के अंदर वन ऑन वन होते हैं, आपने से कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, मतलब महीने में आप एक बार अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठ के डिसीजन कर देते थे पूरे महीने में क्या अच्छा किया क्या तो ना गलत किया। तो वन ऑन वन में मैंने थोड़ा सा नेगेटिव लिखा क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कुछ काम उतना अच्छे से नहीं हो रहा था। तो अब वो मेरे को बोलता कि इसको ना थोड़ा सा पॉजिटिव लिख दो, इतना नेगेटिव मत लिखो मेरे लिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कैसे अभी के लिए जो ये वन ऑन वन हुआ है ना पिछले महीने में जो तुमने परफॉर्म किया उसके बेसिस पर है, बट अगर तू आगे अच्छा परफॉर्म करता है तो ये वन ऑन वन पॉजिटिव हो जाएगा। और कभी भी किसी को भी दिखाना है तो वो बहुत अच्छा रहता है, कैसे मैं किसी को भी दिखाना है, प्रूफ करना है कि बंदा अच्छा है, मैं दिखा सकता हूँ कि देखो इस महीने मैंने इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगले महीने में इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, उससे अगले महीने इसका ग्राफ और ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ये बंदा ना अपने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड कर रहा है, अपने फीडबैक को लेकर उन पर वर्क कर रहा है और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी मेहनत दे रहा है वहाँ पे। तो ये बहुत एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है जब आप अपने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हो। वन ऑन वन के अंदर ऐसा अक्सर कैप्चर करना चाहिए। और मैंने उसको एक चीज़ जब समझाई यहाँ पे, अब बात करते हैं इसको लॉ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये तो हम कहीं और पहुँच गए, लॉ से कनेक्ट कैसे हो रहा है वो बता दो। मैंने उसको एक चीज़ समझाई, तो वो मेरे से कितनी भी आर्ग्यूमेंट कर ले मैं कन्विंस नहीं होने वाला, मैं तेरे काम से कन्विंस होऊंगा। और जो बाकी लोग हैं जो अभी तेरे को गलत समझ रहे हैं, जैसे ही तू अपना काम करके देगा ना तो अगला महीने इंप्रूवमेंट कर दे, उससे अगले महीने और इंप्रूवमेंट कर दे, तेरा काम बोलेगा। आर्ग्यूमेंट से मत बोल कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, प्रूफ कर, वहां से पता चलता है कि कौन कितना काम करता है। एक चीज और बता दो, कॉर्पोरेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट के अंदर अक्सर लोग ने ये बोलते रहते, मेरे पास बहुत काम है यार, बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, अक्सर सुना होगा आपने लोगों के ऐसे मुंह से। लेकिन क्या वो सच में बिजी होते हैं? अब पता है इसके लिए क्या करना होता है। अगर कोई इंसान आपसे बोल रहा है ना मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने बोला ये लॉ बात कर रहा है, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। लोग आर्ग्यूमेंट से जीतने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। कई बार मेरे को भी ऐसा बोलना पड़ता है कि भाई मेरे पास बहुत काम है। जब कभी मैं बोलता हूँ ना मेरे पास बहुत काम है तो मैं डाटा लेके जाता हूँ, अपने एक्शंस को प्रूव करता हूँ कि देखो मैंने ये सब काम किया है, इतनी सारी चीज़ों में मैं बिजी हूँ। सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं कर रहा, लेकिन बाकी लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, मेरे पास ये काम है, मेरा वो काम है। ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना है ये भी बता देता हूँ मैं इसी लॉ के अंदर। अगर कोई इंसान सिर्फ आर्ग्यूमेंट से जीतने की कोशिश कर रहा है, ऑफिस के अंदर का मैं एक सिनेरियो लेके चलो जहाँ पे वो बोला कि मेरे पास बहुत काम है, उनसे उनका एचटी मांगो। एचटी क्या होता है? एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि जो भी वो काम कर रहे हैं पूरे दिन में, उस काम को करने में कितनी देर लगती है, पूरे दिन का एक लेखा जोखा मांग लो। आपको समझ आ जाएगा कि इस बंदे ने कितने घंटे काम किया है और कितने घंटे सिर्फ मजे किए हैं। ठीक है, ये इस लॉ को अंदर से मैंने ऐसे निकाल के दिया आपको एक गुरु मंत्र, जिससे आप अपने मैनेजमेंट जर्नी को भी कंट्रोल कर सकते हो अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है। देखो हम जब भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं ना, हम दोनों तरीके से पढ़ते हैं कि इस लॉ को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और अगर इस लॉ को कोई और गलत तरीके से मेरे लिए यूज़ कर रहा है तो मुझे कैसे बचना है। इन दोनों परस्पेक्टिव से हम हर वीडियो को बनाते हैं, हर वीडियो को इसी परस्पेक्टिव से देखते हैं, ताकि आपको दोनों एक्शन क्लियर हो कि आप क्या करना है और कोई और करे तो उस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है।
दोनों कंडीशंस को, दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखने चलते हैं अपनी हर वीडियो में। अगर आपको सच में मेरी वीडियोस देखना अच्छी लगता है, आपको लगता है कि मैंने कोई वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिया है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली, अगर आपको लग रहा है कहीं पर भी कोई चेंज आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त या रिलेटिव को मेरी वीडियो की नीड है तो उसको मेरी वीडियोज भेज दें। दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं अगली वीडियो में लॉ नंबर 10 के साथ। तब तक keep growing, stay in power and be happy. That's all.